नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सीलेंट एजुटू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हाल ही में जो HSC के जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रत्येक मंत्री का नाम, उसका जो मंत्रालय है और जो उसका विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा हम हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। वहीं बात करें जो हरियाणा के पहले राज्यपाल के बारे में, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। इन इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। वहीं दोस्तों, वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात करें दोस्तों, जो हरियाणा की जो विधानसभा है वो वर्तमान में 13वीं विधानसभा चली हुई है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ली जाए कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे या कौन सी चल रही है, तो इसका आंसर रहेगा 13वीं, और जिसके चुनाव कब हुए थे 2014 में हुए थे। वहीं दोस्तों, जो हरियाणा की विधानसभा है वो एक सदनीय है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ली जाए कि हरियाणा की जो विधानसभा है एक सदनीय द्विसदनीय, तो इसका आंसर रहेगा एक सदनीय है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी भी है, और जो हरियाणा का जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में ही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जो हरियाणा का जो वर्तमान में राज्यपाल है वे हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं। इनसे पहले कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, हरियाणा के जो विधानसभा है उसके स्पीकर के बारे में। जो स्पीकर हैं कंवर पाल गुज्जर। कंवर पाल गुज्जर वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, और जो जो कि जगाधरी से विधायक हैं। और जो बात कर लेते हैं डिप्टी स्पीकर के बारे में, तो संतोष यादव वर्तमान में हरियाणा की डिप्टी स्पीकर हैं, जो कि अटेली से विधायक हैं। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, हरियाणा की जो पहले स्पीकर थे वो थी, पहली महिला स्पीकर थी जो थी सन्नो देवी। सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला स्पीकर थी, जो पहली बार 1966 में बनी थी जब हरियाणा बना था। अगर एग्ज़ाम में पूछ ली जाए कि हरियाणा की जो पहली स्पीकर है वो कौन है, तो इसका आंसर रहेगा सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला स्पीकर भी है। वहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला है हमारे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो इसका मंत्रालय है वे पहले तो ये मुख्यमंत्री है, दूसरा इनके पास गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है, ऊर्जा मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, राजभवन मामले और अर्बन एस्टेट विभाग जैसे मंत्रालय इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है करनाल है। करनाल को CM सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो करनाल है वो केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में भी चयनित है। हरियाणा के दो शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, चुने गए हैं, एक तो करनाल है और दूसरा है फरीदाबाद। फरीदाबाद भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुना गया है। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले भी कि हरियाणा के जो दो शहर हैं कौन कौन से हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत चुने गए हैं, तो इसका आंसर रहेगा करनाल और फरीदाबाद। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इनके पास पर्यटन विभाग भी है और साथ ही इनके पास संसदीय मामले हैं। हाल ही में इन्हें लोक और सांस्कृतिक मंत्रालय भी इन्हें ही दे दिया गया है, जो कि पहले कविता जैन पर था। और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है महेंद्रगढ़ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु वर्तमान सरकार में वित्त मंत्री हैं, और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, कानून विधायी शक्तियाँ और पुनर्वास विभाग मंत्रालय इन्हीं के पास है। और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है नारनौंद, जो कि हिसार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारे ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, और जो पंचायत संबंधी मामले हैं पंचायत विकास मंत्री हैं, और जो इनको पशुपालन और डेयरी विभाग भी इन्हीं के पास है। और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है बादली, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों, एक और बात बता दूं, जो ओम प्रकाश धनखड़ है जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए गठित आयरन कलेक्शन कॉरपोरेशन कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे अनिल विज 5th नंबर पे। अनिल विज जो कि वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, खेल विभाग भी इन्हीं के पास है,
और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयुष मंत्रालय है इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है अम्बाला कैंट। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे नरबीर सिंह। नरबीर सिंह वर्तमान में भवन एवं सड़कें निर्माण, वन वास्तुकला और नागरिक उड्डयन विभाग मंत्रालय इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है बादशाहपुर, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारे कविता जैन। कविता जैन वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और जो इनके पास ये शहरी और स्थानीय निकाय इन्हीं के पास है, और जो कला और संस्कृति मामले हैं वो वर्तमान में अब महेंद्रगढ़ के जो हमारे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा के पास चले गए हैं, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है कविता जैन का वो है सोनीपत। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कृष्ण लाल पवार। कृष्ण लाल पवार है जो वर्तमान सरकार में परिवहन मंत्री हैं, और आवास और जेल विभाग भी इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है इसराना, जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारे विपुल गोयल। विपुल गोयल वर्तमान सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है फरीदाबाद है, इनके पास पर्यावरण औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है। वर्तमान में जो 9 मंत्री हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हैं, और 5 स्वतंत्र कार्यप्रभार मंत्री हैं, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहले हैं कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, स्वतंत्र प्रभार इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है शाहबाद है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे मनीष ग्रोवर। मनीष ग्रोवर जो है सहकारिता मंत्री हैं, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है रोहतक है। नेक्स्ट है हमारे कर्णदेव कंबोज। कर्णदेव कंबोज वर्तमान सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री हैं, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है इंद्री, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारे नायब सिंह। नायब सिंह श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है नारायणगढ़, इनके पास ही साथ में खान एवं भू विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है हमारे बनवारी लाल। बनवारी लाल वर्तमान सरकार में जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री हैं, और इनके पास ही अक्षय ऊर्जा विभाग मंत्रालय इन्हीं के पास है, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो बावल है। दोस्तों ये जो स्वतंत्र कार्य प्रभार राज्य मंत्री हैं ये मुख्यमंत्री के साथ अटैच हैं। किसके साथ हैं? सीएम के साथ अटैच हैं। वहीं जो वर्तमान में बात कर लेते हैं महिला विधायकों के बारे में, वर्तमान में जो पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 महिलाएं हरियाणा विधानसभा में चुनी गई हैं, विधायक हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पूछ जा सकता है कि वर्तमान हरियाणा जो विधानसभा है उसमें कितनी महिलाएं विधायिका हैं, तो इसका आंसर रहेगा 13 महिलाएं विधायक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।